स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ आरएक्स बॉन्ड, नेचर ऑफ आरएक्स बॉन्ड। इसके नेचर को स्टडी करने को, ठीक है। अब देखो आरएक्स बॉन्ड जो होता है, ये आरएक्स बॉन्ड जब होगा, इस आरएक्स बॉन्ड को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो साथ में कार्बन दिखेगा और यहां पे हेलोजन दिखेगा। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स और हेलोजन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसके वजह से क्या होगा, हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सिंपल। तो यहां जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है, हेलोजन के द्वारा एक शेयर किया गया था, एक कार्बन के द्वारा, ये कार्बन के आउटर मोस्ट में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स, हेलोजन के आउटर मोस्ट में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 में एक शेयर इधर से, एक शेयर इधर से। तो जब भी है उसकी बात करें अटैकिंग साइट की, जब भी कभी ये किसी अदर कंपाउंड के साथ इंटरैक्ट करता है तो इसका अटैकिंग साइट एक ही प्लेस होता है, कार्बन और हेलोजन के क्रॉस। तो जैसे ही इसको ब्रेक करेंगे तो सिंपल क्या होगा, ये हेलोजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के वजह से क्या होगा, ये अपने ऊपर एक पार्शियली निगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, क्योंकि यहां पर जो, जैसे मान के चलो कार्बन बॉन्ड कार्बन है, तो दोनों का सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के वजह से इस बॉन्ड का COM यानी कि सेंटर ऑफ मास मिड में आएगा, क्योंकि दोनों का सेम स्ट्रेंथ है, और जब सेम स्ट्रेंथ है तो जो बॉन्ड ब्रेक करते हैं उसको होमोलाइटिक बोलते हैं। और बताया था होमोलाइटिक से जो फ्यूजन होता है, होमोलाइटिक से बनता है वो हमेशा फ्री रेडिकल बनता है, फ्री रेडिकल। और एक बताया था कार्बन के साथ सपोज दैट क्लोरीन, यहां पे जो बॉन्ड फ्यूजन होगा वो हेट्रोलाइटिक होगा। और इसका COM जो होगा सेंटर ऑफ मास वो टुवर्ड्स क्लोरीन हो जाएगा, थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब एग्जैक्टली मिड में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इसको खींचेगा। क्यों खींचेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जैसे ही खींचेगा इसके वजह से इस पे जो बियर चार्ज होगा वो डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव। और इस तरह के फ्यूजन को हमने देखा था, कहते थे हेट्रोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक। तो सेम वही क्रिटेरिया यहां पे भी फुलफिल हो रहा है। जब भी कभी हेलो एल्केन किसी अदर कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसके पास एक ही अटैकिंग साइट है, सिंगल अटैकिंग साइट, और इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा और इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव और ये थोड़ा सा एक्स पे डेल्टा नेगेटिव। अब इसकी बिहेवियर देखो, इलेक्ट्रोस्टेट में पड़े होगे, डाइपोल पड़े हो, डाइपोल। डाइपोल क्या होता था, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस के साथ अगर सेपरेटेड है तो उसी को क्या करते थे, डाइपोल। तो इसके क्रिटेरिया भी एक तरह का डाइपोल की तरह है। डाइपोल का सिंपल मीनिंग क्या है, बाइपोलर आयन, सिंपल बाइपोलर आयन। बाई मतलब दो, अपोलर मतलब दो पोल, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब भी कभी डाइपोल है तो इसके बीच हम सिंपल कौन सा इंटरेक्शन बोलेंगे, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन, सिंपल। इसके अंदर जो इंटरेक्शन होगा वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। सेकेंड चीज जो इसके बारे में पता चला, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड किस बेसिस पे क्या है, तो जब इसको डिसोसिएट करोगे तो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली निगेटिव में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली निगेटिव में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमने क्या देखा, तो इसके बीच का जो इंटरेक्शन हमेशा, जब भी कोई पूछेगा बताओ हेलो एल्केन के बीच किस तरह का इंटरेक्शन है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले फर्स्ट लिस्ट को नोट डाउन कर लो, फिर जाके जो है आगे करेंगे। ठीक है, जब भी किसी भी बॉन्ड के बॉन्ड को स्टडी करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे CX बॉन्ड को स्टडी किया, तो इस CX बॉन्ड के स्टडी के ड्यूरेशन में एक टर्म्स डिफाइंड होता है जिसको कहते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। अभी हम बॉन्ड पैरामीटर्स ऑफ CX के बात करते हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स में क्या क्या टर्म्स आएगा वो हम पहले रिलेट करेंगे। तो अभी हम इसी नेचर ऑफ CX बॉन्ड के अंदर टॉपिक्स देखेंगे, बॉन्ड पैरामीटर्स ऑफ कार्बन हैलोजन, यानी कि CX बॉन्ड का बॉन्ड पैरामीटर। ध्यान से देखो, जब भी कभी बॉन्ड पैरामीटर्स को पढ़ते हो तो फोर टर्म्स डिफाइन होते हैं। फोर टर्म्स, फर्स्ट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, सेकेंड इज द बॉन्ड ऑर्डर, थर्ड इज द बॉन्ड एंगल एंड फोर्थ इज द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ। अब इसमें क्या है, हम क्या देख रहे हैं, एक जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड लेंथ हमेशा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, जैसे मान के चलो हमें हेलो एल्केन के बात करते हैं तो हमें दिया रहेगा CF, मान के चलो CCl दिया हुआ है, CBr दिया रहेगा और CI दिया रहेगा। अब क्या देख रहे हैं, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड और ये फोर्थ। अब जैसे इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो साइड ऑफ हैलोजन क्या हो रहा है, साइड ऑफ हैलोजन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा साइड किसका होगा, आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और सबसे कम फ्लोरीन का। तो जैसे ही साइड ऑफ हैलोजन बढ़ रहा है, तो साइड ऑफ हैलोजन के बढ़ने से बॉन्ड का जो लेंथ है, यानी कि बॉन्ड का जो क्या हुआ, जैसे जैसे साइड ऑफ हैलोजन इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड का लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सिंपल, तो जैसे ही बॉन्ड लेंथ इंक्रीज किया तो हम ये बोल सकते हैं इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा, बताओ, डिक्रीज करेगा। एबव रिजल्ट से, ऊपर वाले से हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, बॉन्ड लेंथ का। तो जैसे ही अलोंग द ग्रुप जा रहे हैं, यानी कि फ्लोरीन का सबसे लोएस्ट साइड और आयोडीन का सबसे हाइएस्ट साइड है, तो जैसे ही हैलोजन इंक्रीज है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज है। क्लियर है? अब जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो गया, इसीलिए बोलते हैं सो CI को ब्रेक करना क्या है, सबसे इजी है। समझ में आ रहा है कि अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, क्लोरिन फ्लोरिन, फिर क्लोरिन, फिर ब्रोमिन और सबसे कम किसका हो जाएगा, आयोडीन का। क्लियर है? तो जैसे जैसे हम फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं तो हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और बॉन्ड लेंथ जस्ट इसका इनवर्स हो जाएगा। इसी बेसिस पे हम लिखते हैं सो ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, मैंने कहीं लिखाया होगा ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, आयोडीन, फिर ब्रोमीन और नेक्स्ट क्लोरीन और फ्लोरीन। तो अगर कोई बोले बेस्ट लिविंग ग्रुप बताओ, बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन और लास्ट में फ्लोरीन।
इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी साइज ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से बॉन्ड डिसोसिएंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करके अपने को मिनिमम लेवल पे सेट करेगा, इसको डिसोसिएट करना हमारा, ब्रेक करना काफी इजी हो जाएगा, और जब ब्रेक डाउन इजी हो जाएगा तो ये एक तरह से बेस्ट लिविंग ग्रुप के फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसको हम फर्दर यूज करते हैं एस एन वन एंड एस एन टू में देखते हैं, इसको यूज करते हैं बेस्ट लिविंग ग्रुप का। ऑलरेडी कंसेप्ट एस एन वन और एस एन टू वाले रिएक्शन में हम देखे थे, क्लियर है? इसको फर्स्टली आप नोट डाउन करो, नेक्स्ट हम इसमें आगे मूव करेंगे। पैरामीटर्स में एक और इम्पोर्टेंट टर्म्स है जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ऑलरेडी थोड़ा सा फिजिक्स में डाइपोल को आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को, उसी डिस्कशन को थोड़ा सा, वो फिजिक्स वाला जो डाइपोल है उससे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, बट कॉन्सेप्ट वाइज सोचे तो यही है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक अलग टर्म्स है, बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर ही आता है एक टर्म्स डाइपोल मोमेंट। ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में बॉन्ड के पैरामीटर्स को डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग जानते हैं। तो कोई मॉलिक्यूल्स है उसमें उसका डाइपोल मोमेंट कितना है उसको पढ़ते हैं। तो जैसे आपने फिजिक्स में देखा होगा, तो मान के चलो ये बॉन्ड है, इस पे हमारा पॉजिटिव क्रिएट हुआ, इस पे नेगेटिव क्रिएट हुआ, तो जितना इस पे पार्शियल पॉजिटिव है उतना इस पे पार्शियल नेगेटिव है। उसके बाद इसका जो लेंथ है उसी को तो बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो हम क्या लिखते थे, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर होता था और वो वैल्यूज होता था क्यू और इसके साथ डी वेक्टर होता था, क्यू डी। अब क्यू की जो वैल्यू डी की वैल्यू है, ये डिस्टेंस सिंपली हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड का लेंथ, वो बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, क्लियर है? अब ये डाइपोल मोमेंट केमिस्ट्री में किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा, तो अगर हम जैसे हेलो एल्केन को डील कर रहे हैं, तो हेलो एल्केन में ये हमारा जनरली या तो एल्काइल होगा या तो एराइल होगा, ये एल्काइल होगा या एराइल होगा, या तो एरोमेटिक होगा या तो एलिफेटिक होगा। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक से कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, कितना ज्यादा फोर्स से खींच रहा है, मान के चलो कार्बन से फ्लोरीन कनेक्टेड है, कार्बन से क्लोरीन कनेक्टेड है, कार्बन से ब्रोमीन कनेक्टेड है और कार्बन से आयोडीन कनेक्टेड है। तो जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही पुल करेगा। अगर इसको हम रेफरेंस ले ले, इसको अगर रेफरेंस ले ले तो सबसे ज्यादा पुल कौन करेगा, फ्लोरीन। क्यों करेगा, क्योंकि अगर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो सबसे ज्यादा किसका नेगेटिविटी होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर घटता है। तो सबसे ज्यादा पार्शियली निगेटिव चार्ज किस पे होगा, इस वाले से कार्बन फ्लोरीन पे होगा, उसके बाद क्लोरीन पे, फिर ब्रोमीन पे, और सबसे कम किस पे होगा, आयोडीन पे। अब यहां से क्या देख रहे हैं, डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, चार्ज का। डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, चार्ज का। तो जो जितना ही विथड्रॉ करेगा उस पे उतना ही पार्शियली निगेटिव चार्ज आएगा, और पार्शियली निगेटिव चार्ज के वजह से उसका डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट की बात करें, डीएम की बात करें, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, कार्बन फ्लोरीन का, उसके बाद क्या होगा, कार्बन क्लोरीन का, फिर बात करें तो कार्बन ब्रोमीन, और फिर क्या करें, कार्बन आयोडीन का। क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड को उतना ही पुल करेगा, और जितना ही कोई बॉन्ड को जो जितना पुल करेगा उस पर उतना ही निगेटिव, और निगेटिव होगा तो डिस्पर्सल ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, और जैसे ही डिस्पर्सल ऑफ चार्ज ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज भी क्या होगा,
ज्यादा होगा, क्लियर है? तो इसको आप नोट डाउन कर लो ऑर्डर ऑफ डीएम को। पॉइंट में नेक्स्ट देखो कुछ पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट इसी डाइपोलमेंट के अंदर है। तो ये ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन में डाइपोलमेंट का वेरिएशन किस तरीके से होगा। नेक्स्ट इसी में कुछ पॉइंट्स और है जो कि केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो फोर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में दो तरह का मॉलिक्यूल होता है, एक होता है होमोन्यूक्लियर न्यूक्लियर और एक होता है हेट्रोन्यूक्लियर। हेट्रो मतलब डिफरेंट और होमो मतलब सेम। होमो मतलब क्या होगा? जिसका न्यूक्लियस सेम हो। जैसे मान के चलो H2 गैस की बात करें, Cl2 गैस की बात करें, N2 गैस की बात करें, O2 गैस की बात करें, जितने होमो न्यूक्लियर है। डाई एटॉमिक मतलब दो एटम्स है और होमो मतलब सेम एटम्स के हैं, तो होमो न्यूक्लियर। उसी तरह हेट्रो न्यूक्लियर की बात करें तो जैसे मान के चलो HCl हो गया, HBr हो गया, HF हो गया, ये सारे क्या है? हेट्रो न्यूक्लियर। तो जब भी कभी डाई एटॉमिक होमो न्यूक्लियर की बात करें तो कंफर्म बात है, इसका याद रखना है डीएम ऑलवेज जीरो होगा, क्योंकि जो HH है, मान के चलो ClCl है, इस बॉन्ड को जो ये जितना खींच रहा है उतना ही ये भी खींच रहा है, इक्वली खींच रहा है। तो इक्वली खींचने के मान के चलो किसी भी पॉइंट पे दो फोर्स लग रहा है, F इधर और F इधर, तो नेट कितना हो जाएगा? नेट F क्या हो जाएगा? F नेट जीरो हो जाएगा ना। किसी भी पॉइंट पे Cl इधर खींच रहा है, ये भी इधर खींच रहा है, तो जितना डाइपोलमेंट इधर आएगा, डाइपोलमेंट तो एक वेक्टर होता है, P वेक्टर इधर आ रहा है, यहां पे भी P वेक्टर इधर आ रहा है, तो नेट P वेक्टर की बात करें तो कितना हो जाएगा? जीरो। क्लियर है ना? लेकिन जब हेट्रोन्यूक्लियर होगा तो देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, तो एक खींचने वाला है एक देने वाला है, एक ये पॉजिटिव है। हाइड्रोजन किस कैरेक्टर का होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और क्लोरीन क्या करेगा? घटाएगा। तो दोनों का डायरेक्शन एक ही होगा कि नहीं होगा? तो जब दोनों डायरेक्शन होगा तो कुछ ना कुछ यहां पे क्या हो जाएगा? डीएम आएगा, यानी कि डीएम नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमेशा क्वेश्चन पूछेगा, तो अगर होमो न्यूक्लियर कंपाउंड आ रहा है, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल आ रहा है डायटोमिक के केस में, तो वहां पे आंख बंद करके डीएम जीरो कर देना है। जहां पे हेट्रो न्यूक्लियर आ रहा है, जैसे HCl आ रहा है, HBr आ रहा है, HF आ रहा है, यहां पे दो एटम्स है बट हेट्रो न्यूक्लियर है, तो कंफर्म बात है इसमें कुछ ना कुछ डीएम क्या होगा? आएगा। इसका डीएम जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ डीएम नॉन जीरो होगा, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड करते हैं। थ्योरेटिकली इसका कोई एस्पेक्ट नहीं है, हमें जनरली चेक करने के लिए आता है डीएम जीरो होगा या डीएम नॉट इक्वल टू जीरो होगा। फर्स्टली इसको नोट डाउन कर लो आप नेक्स्ट पॉइंट में। डाइपोलमेंट हम डील करते हैं, अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाए तो उसका डीएम कैसे निकालेंगे? तो अगर कभी पॉली एटॉमिक, डायटॉमिक में तो क्लियर है, अगर होमो है तो जीरो, हेट्रो है तो नॉन जीरो। अब इसी में अगर फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का, पॉली एटॉमिक नाम से ही क्लियर, इसमें दो से ज्यादा एटम्स होंगे। तो याद रखोगे जब भी कभी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो एक पॉइंट जो याद रखना है, डीएम डिपेंड्स अपॉन कॉन्फिग्रेशन ऑब्लिक ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, इस पे डिपेंड करेगा। आप डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते हो
सो इसका डीएम जीरो होगा या नहीं दे रहा, उसके ज्योमेट्री पे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, और ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट जो देता है वो हम इनऑर्गेनिक में पढ़ने वाले हैं, एक थ्योरी वीएसपीआर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, ये पढ़ेंगे। इसके थ्रू हमें ज्योमेट्री पता चलेगा और ज्योमेट्री के बेसिस पे हम उस मॉलिक्यूल्स के डीएम पे कमेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेको, एक मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं BF3, इसको कहेंगे बोरन टेट्रा फ्लोराइड। अब देखो बोरन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बोरन का एटॉमिक नंबर होता है 5। इसको अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p1। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो बोरन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, बोरन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है और फ्लोरीन कितने हैं, 3 है। तो एक एक फ्लोरीन क्या करेगा, सबके साथ शेयर कर लेगा। तो कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे, 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। तो जैसे ही 3 बॉन्ड पेयर कैसे बना, तो बोरन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स था, 1 2 3, हर एक फ्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7। उसमें से एक सबने क्या किया, शेयरिंग कर लिया आपस में। जैसे ही शेयरिंग किया तो कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3। इसीलिए बोल रहे हैं 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, और 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर होता है उसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। एक ज्योमेट्री होती है, जिस ज्योमेट्री को याद रखोगे, वैसे इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और अच्छी तरीके से रिलेट करेंगे, बट इसके लिए अभी ध्यान क्या रखना है, तो जब भी कभी 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो हमने बना दिया ट्राइगोनल प्लेनर। अब जब भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा तो सबके बीच एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। एवरी एंगल्स आर 120 डिग्री। अब देखो क्या है, बोरन तो हमारा सेंट्रल एटम है, इस बोरन से क्या करेगा, ये फ्लोरीन भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो पी इधर लगेगा, इसके वजह से भी कुछ डायपोल मोमेंट इधर आएगा, इधर इसके वजह से भी डायपोल मोमेंट क्या होगा, इधर आएगा कुछ ना कुछ। ये भी पी वेक्टर, ये भी पी वेक्टर, क्यों, क्योंकि ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, जो ये जितना खींचेगा वही इतना खींचेगा। अब देखो ये भी उतना ही ऊपर खींचेगा कि नहीं, तो 3 वेक्टर्स हैं और तीनों कितने डिग्री पे है, 120 डिग्री पे। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा जब 3 वेक्टर्स 120 डिग्री पे होता है उसका पी नेट के 0 डिग्री, पी नेट क्या आता है, पी नेट की वैल्यू 0 आता है। रिजल्ट पढ़े हो, तो अगर 3 फोर्स 120 डिग्री पे है तो 0 कैसे होगा बताओ, नेट 0 कैसे आएगा। जब इसको इस दोनों को सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ इधर आएगा, और ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट अगर 180 डिग्री पे आ जाए तो नेट पी नेट क्या हो जाएगा, 0। रिलेट कर पा रहे हो मैथमेटिक्स इसका, yes, sir. तो पहले आप इसको नोट डाउन करो, इसके रिगार्डिंग कुछ और जो है मैथमेटिक्स में करवाता हूं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। इसका मैथमेटिक्स देखो सर, ये किसका पी नेट कैसे 0 होगा, तो ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल एक फिजिक्स में यूज होता है, जिसके थ्रू किसी भी 2 वैक्टर्स को अगर एड करना है तो हम वैक्टर मेथड वहां पे अप्लाई करते हैं, उसी के थ्रू इसको हमने एड करके 0 किया है। देखो कैसे होता है, सो मान के चलो हमारे पास बोरोन दिया हुआ था, बोरोन से एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर आ गया। अब जैसे ही आया इस पे जो फोर्स अप्लाई हुआ
ये फोर्स इधर जो इसके ऊपर जो डाइपोल मोमेंट आया वो पी नेट है, पी है, और इधर भी पी है और इधर भी पी है, दोनों वैल्यूज तीनों इक्वल है क्योंकि तीनों फ्लोरिन फ्लोरिन सेम ही है। अब ये 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री था, ये भी 120 डिग्री था, इसको हम नेमिंग कर लेते हैं 1, 2, 3। अब देखो बाय एडिशन ऑफ 1 एंड 2, जैसे ही 1 एंड 2 को एडिशन करोगे तो मान लेते इससे जो वैल्यू जा रही है वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो जब P नेट निकालोगे किसके वजह से, 1 एंड 2 की वजह से, तो जैसे ही 1 एंड 2 की वजह से P नेट निकालोगे तो क्या फॉर्मूला लगता है, सिंपल, P का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो B की वैल्यू भी क्या है, P है, प्लस 2 AB। क्या आता है, कॉस आता है कि साइन आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस थीटा, तो कॉस 120 डिग्री हो जाएगा। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 PA स्क्वायर, और कॉस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2। जैसे ही 2 से 2 कैंसिल करोगे तो यहां से वैल्यू जा जाएगा 2 PA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट PA स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया, P आ गया। अब ये जो P आया वो कुछ इस डायरेक्शन में आया, तो ये जो हमारा P नेट आया किसके वजह से, 1 एंड 2 के वजह से, वो कितना आ गया, P आ गया। अब एंगल भी निकालना पड़ेगा, तो एंगल के लिए क्या अप्लाई करते हो, टेन थीटा, तो इसमें क्या लिखते हैं, बी, तो बी हमारा, बी की वैल्यू क्या है, पी है साइन 120 डिग्री अपॉन पी प्लस पी कॉस 120 डिग्री, लिखते हैं ना, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा लिखते। तो यहां से जैसे ही निकालो तो P साइन 120 डिग्री की वैल्यूज कितनी होती है, कितना होता है, साइन 120 कैसे बनाओगे, देखो इसी तरीके से बनेगा, तो ये 90 के साथ वाला, तो यहां पे क्या आ जाएगा, √3/2 प्लस पी, यहां से करोगे तो पी कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 -1/2। अब जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यूज देखो क्या आ जाएगा, ऊपर में तो √3P/2 है और नीचे में क्या आ जाएगा, P/2, तो यहां से वैल्यूज हमारा आ जाएगा √3। तो थीटा इक्वल टू हमारा कितना होता है, √3, 60 डिग्री पे। अब जैसे ही 60 डिग्री पे हो जाता है तो यही जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, 180। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये तो वेक्टर को, अगर हम जो वेक्टर हमारा था डाइपोल मोमेंट उसको दोनों को ऐड किए तो हमारा किधर आ गया, इधर आ गया। अब ये पी नेट और ये एक दूसरे को कितने एंगल पे, 180 डिग्री पे, तो 180 डिग्री की वजह से नेट इसका डीएम क्या हो जाएगा, नेट डीएम, नेट डीएम कितना हो जाएगा, ये P है, ये P है, तो इधर P आया तो इसके इसके बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया, तो नेट डीएम क्या हो गया, नेट डीएम क्या हो जाएगा, नहीं समझ आ रहा है, हाँ,
अरे ये इस पी को फिजिक्स में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल वगैरह किए होगी, इस दो को ऐड किए तो पी आ गया 60 डिग्री पे, ये 60 डिग्री या प्लस 120 डिग्री, तो फिर से ये और ये एक दूसरे को रिवर्स नहीं कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, तो जितना ये पुल कर रहा है उतना ये पुल कर रहा है, तो दो फोर्स 180 डिग्री पे, तो नेट डीएम क्या हो जाएगा, जीरो, नेट डीएम जीरो हो जाएगा। तो नोट करने वाला पॉइंट क्या है, सो जब भी कभी भी टीपी आ रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर आ रहा है और सेम सब्टिट्यूएंट दिया हुआ है, फ्लोरीन दिया हुआ है, तो सेम सब्टिट्यूएंट है और ट्राइगोनल प्लेनर है, तो उसका डीएम क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो सेम सब्टिट्यूएंट और ट्राइगोनल प्लेनर सेफ है तो उसका नेट डीएम एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन करें। तो क्वेश्चंस को कैसे करते हैं डायपोल मोमेंट को, डायपोल मोमेंट के जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे वेक्टर के कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे, जो कि फिजिक्स में करते हो उसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है, राइट ऑर्डर ऑफ डीएम मतलब डायपोल मोमेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड्स कंपाउंड्स दिया हुआ है, बेंजीन है और बेंजीन के सीएल ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड है, एक सेकेंड कंपाउंड दिया हुआ है सीएल के साथ, सीएल ये सेकेंड कंपाउंड, और एक थर्ड कंपाउंड दिया हुआ है सीएल के साथ सीएल है। अब दोनों में क्या है डिफरेंस, ये ऑर्थो पोजीशन पे है, ये मेटा पोजीशन पे है और ये पैरा पे। इसका अगर आईपीएसी नेम लिखेंगे तो 1,2-dichlorobenzene, इसका 1,3-dichlorobenzene और इसका लिखेंगे तो 1,4-dichlorobenzene, अदरवाइज कॉमन हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोबेंजिन, मेटा और पैरा। अब हमें इस क्वेश्चंस में कह रहा है तो इसका ऑर्डर ऑफ डीएम निकालो, तो ध्यान से अगर मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो इसमें दो ग्रुप है जो खींच रहा है, एक क्लोरीन इधर खींच रहा है और ये क्लोरीन इधर खींच रहा है, तो इसके वजह से इधर डीएम, इसके वजह से इधर डीएम आ जाएगा। यहां भी ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, इसमें ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, तो मुझे तो सिर्फ ऑर्डर लिखना है, जो सबसे ज्यादा किसका होगा और सबसे कम किसका होगा। थर्ड वाले को ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है, दो इक्वल एंड अपोजिट खींच रहा है, तो इसका डीएम तो क्या होगा, कंप्लीटली क्या होगा, क्योंकि इसके वजह से जो पी नेट आया, पी वन आया, उसी पी वन को ये भी खींच रहा है इधर, इस पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये क्या होगा, डीएम जीरो हो गया। अब फर्स्ट सेकेंड में बात करें तो किसका डीएम ज्यादा होगा, तो देखो इसमें बताओ किसका डीएम ज्यादा होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड को एनालिसिस करें तो इसमें बताओ सोच के किसका डीएम इसमें दोनों में से ज्यादा होगा। देखो ध्यान से, इधर भी पी वेक्टर है, इधर भी पी वेक्टर है, सेम खींच रहा है, यहां भी पी वेक्टर है, यहां भी पी वेक्टर है, लेकिन इसके बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल होगा, और इसमें जो एंगल होगा थीटा की वैल्यूज वो क्या होगा, एक्यूट होगा। और जब आप करते हो रिजल्टेंट निकालते हो पी नेट, तो फॉर्मूला क्या यूज करते हो, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 mod p cos थीटा, और अगर थीटा लेस देन 90 रहेगा तो cos थीटा की वैल्यूज क्या होगी, पॉजिटिव,
और थीटा अगर ग्रेटर देन 90 होगा, मतलब सेकेंड केस की बात कर रहा हूं मैं, ये फर्स्ट केस का है, तो उस केस में थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो सेकेंड केस में देखो ना, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू इज नेगेटिव, तो कुछ ना कुछ डीएम क्या होगा इस केस में? डिक्रीज होगा, माइनस में आएगा। ये वाला टर्म उसमें से क्या हो जाएगा? इस वाले टर्म से माइनस हो जाएगा सेकेंड केस में, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यूज क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 90 आएगा। लेकिन फर्स्ट केस में थीटा की वैल्यूज क्या होगा? लेस देन 90 होगा, उस केस में कॉस थीटा पॉजिटिव। इसलिए अगर ऑर्डर हमें लिखना है, ऑर्डर सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा? फर्स्ट में, फिर सेकेंड में, फिर थर्ड में। तो सबसे लिस्ट जो होगा डीएम, वो थर्ड के केस में एग्जैक्टली जीरो, और फर्स्ट के केस में इसका डीएम जो होगा वो ज्यादा होगा। तो सारा डिस्कशन जो है मैथमेटिकल है, ठीक है? तो आप इसको पहले नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज एन क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द कंपाउंड हैव हाईएस्ट डीएम, माने किस कंपाउंड का हाईएस्ट डीएम है? दिया हुआ है CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4। ये फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है, सेकेंड कंपाउंड दिया हुआ है, थर्ड कंपाउंड दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कशन करते हैं। एक बार ट्राई करो, सॉल्व करो। तो जब भी बताया हूं, जब भी कभी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो आंख बंद करके पहले ज्योमेट्री फाइंड आउट किया करो, सीधे नहीं क्वेश्चंस को हिट एंड ट्रायल्स किया करो। ज्योमेट्री जैसे मान के चलो CH2Cl2 को ट्राई करोगे तो C के ऊपर Cl, एक H, एक H और एक Cl। उसी तरह से CHCl3 को ट्राई करोगे तो एक Cl, एक H और तीन Cl, और लास्ट में क्या है? CCl4। इसको अगर स्केच करोगे तो एक Cl, दो, तीन और चार Cl, यही आएगा। अब देखो, अगर सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो यहां एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, हर एक में कितने हैं? कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड? क्योंकि सारे में क्या है? सिंगल सिंगल है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ही को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। बताया था हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और चार सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। क्लियर है? और क्लियर है ना? sp3 जब होता है तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। याद रखोगे इसका ज्योमेट्री है। ये इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा टॉपिक है, जब इनऑर्गेनिक थोड़ा डिस्कशन करेंगे तो फिर इसको। और जब sp2 होता है तो कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर वाला में तो देख चुके थे थीटा इक्वल टू 120 डिग्री हो जाता था। अभी हमारे लिए ज्योमेट्री जो हो जाएगा वो sp3 हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। अब ध्यान से देखो, जब टेट्राहेड्रल फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को देख रहे हो, इसमें दो चीज खींचने वाला है, Cl, और ये H क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो दो विड्रॉइंग है, दो डोनेटिंग है। सेकेंड वाले को देखोगे तो तीन विड्रॉइंग है, एक डोनेटिंग है। फोर्थ वाले को देखोगे तो इसमें सारे विड्रॉइंग ही है। तो विड्रॉइंग के वजह से फोर्थ थर्ड वाले में क्या है? सिमेट्रिसिटी बन रहा है, एक तरफ से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के वजह से इसके अंदर डीएम क्या हो जाएगा? जीरो।
सेकेंड में देखोगे तो थ्री विड्रॉइंग है, सीएलसीएल है और उस एक डोनेटिंग है, तो थ्री विड्रॉइंग और एक डोनेटिंग के वजह से इसका डीएम जो होता है वो फर्स्ट के कंपेयर में थोड़ा सा वैल्यूज क्या होगा, कम होगा और इसकी वैल्यूज 1.03 डी, डी फोर होता है डीवाई, डीवाई इज द यूनिट ऑफ डीएम होता है, तो याद रखना है इसका डी होता है डीवाई। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ये कोई हम वेरीफाई नहीं करते, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट है। और थर्ड में जो डीएम देखोगे उसकी वैल्यूज फर्स्ट में जो डीएम देखोगे उसकी वैल्यूज एग्जैक्टली 1.6 डी के आसपास आता है। तो सबसे ज्यादा वैल्यूज किसका हो गया, CH2Cl2 का, फिर CHCl3 का और लास्ट में किसका आ जाएगा, CCl4 का। तो डिस्कशन जो करेंगे वो ज्योमेट्री के अराउंड ही करेंगे, इस ज्योमेट्री को एनालिसिस करके उसके बाद हम जो है डीएम को एनालिसिस करेंगे। तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ही डिस्कशन करना है। तो ज्योमेट्री में अगर सिमेट्रिसिटी आ रहा है तो जीरो हो जाएगा, ज्योमेट्री में थ्री विड्रॉइंग है एक डोनेटिंग है तो थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू नॉन जीरो, बट इसमें क्या है दो विड्रॉइंग है और दो डोनेटिंग है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू सब, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो हो जाएगा वो CH2Cl2 का हो जाएगा। तो इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 था, एक्सरसाइज 10 था, इसको नोट डाउन कर लो, उसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर जाके जो है डाइपोलमेंट वाला लेक्चर जो है वेंड अप हो जाएगा और ये टॉपिक्स भी हमारा जो है फिनिश हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, सो व्हाई क्लोरोबेंजीन हैव लोअर डीएम, यानी कि लोअर डाइपोलमेंट होता है, लोअर डीएम देन साइक्लो हेक्साइल क्लोराइड। ये कह रहा है क्लोरोबेंजीन हमारा सिंपल क्या है, क्लोरोबेंजीन जो बनाओगे सिंपल एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड है ये कुछ इस तरीके से, और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड बनाओगे तो सिंपल एक साइक्लिक है विदाउट एरोमेटिक, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और हमें प्रूव करना है क्लोरोबेंजीन का डीएम जो होगा वो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से कम होगा। अब देखो क्लोरीन के बेसिस पे तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भी जो ग्रुप खींच रहा है वही ग्रुप इसमें भी खींच रहा है, तो इसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल खींच रहा है। हमारा एक्सप्लेनेशन जो होगा वो एरोमेटिक वर्सेस साइक्लिक होगा। एरोमेटिक और साइक्लिक में क्या होगा, यहां का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डीलोकलाइज्ड है, ध्यान से देखो रेजोनेंस के वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन कहां का, क्लोरीन का डीलोकलाइजेशन में होगा, डीलोकलाइजेशन ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्यों, क्योंकि यहां पे लोन पेयर सिंगल डबल बनेगा, लोन पेयर सिंगल डबल जैसे ही बनेगा तो ये अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेगा, कैसे, तो जैसे ही ये आएगा तो यहां पे डबल बॉन्ड सीएल के ऊपर पॉजिटिव और जहां पे जा रहा है वहां पे नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रिपेयर्ड होगा। अब जैसे ही प्रिपेयर्ड हुआ तो जो क्लोरीन पे नेगेटिव था उस क्लोरीन पे कुछ ना कुछ क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो क्लोरीन का काम जो खींचने का था वो रेजोनेंस की वजह से उसकी खींचने वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज हो गई, यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर था वो यहां पे रेजोनेंस की वजह से क्या हो गया, थोड़ा डिक्रीज हो गया। लेकिन वो क्या होता है, यहां पर तो नहीं होता है, यहां पर तो नो रेजोनेंस है, तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर जब डिक्रीज हो गया तो उसके वजह से जो डीएम आएगा वो, इसीलिए डीएम किस में ज्यादा होता है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में ज्यादा होता है।
तो ये जो क्लोरीन एटम है ये रेजोनेंस शो इसमें नहीं करता है, जिसके वजह से अभी भी इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंटैक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में जब चेंज नहीं हो रहा है तो इसका डीएम ये ज्यादा इससे खींचेगा तो इस पर ज्यादा निगेटिव आएगा, तो सामने वाले रिंग पे क्या होगा, डिस्पर्सल चार्ज ज्यादा पॉजिटिव आएगा, इसके वजह से इसका डीएम ज्यादा होगा। तो पहला जो इसका रीजन होगा वो ऑन बेसिस ऑफ रेजोनेंस हो गया, आरएस हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेकेंड रीजन ध्यान से देखो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो ये कार्बनाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू आएगा, कैसे, एक डबल है एक सिंगल, ये सिंगल, तो जब डबल है तो यहां पे एक सिग्मा एक पाई, यहां पे एक सिग्मा एक सिग्मा, तो तीन सिग्मा, तो एसपी टू। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, और यहां पे क्या है, एक हाइड्रोजन भी है, तो चारों बॉन्ड सिंगल होने की वजह से फोर सिग्मा, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एसपी थ्री। अब एसपी थ्री और एसपी टू में पूछेगा तो एसपी थ्री एंड एसपी टू में विच इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो बताया था परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, इलेक्ट्रो निगेटिविटी का, ये ऑलरेडी हमने जीओसी में डिस्कस किया था। सो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिव का, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, एसपी टू, एसपी टू में एग्जैक्टली 33.3% एस करेक्टर है, और एसपी थ्री में देखोगे तो 25% एस करेक्टर है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव के वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव आना चाहिए, बट ये कार्बन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ले रहा है, यहां पे तो डेल्टा पॉजिटिव आना चाहिए ना, क्योंकि यहां पे डेल्टा निगेटिव आएगा, लेकिन ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, बट यहां का कार्बन थोड़ा सा एसपी थ्री है तो यहां पे निगेटिव तो है बट इसके कंपेयर में कम निगेटिव है, तो कम निगेटिव होगा तो डिस्पर्सल ऑफ चार्ज ज्यादा होगा। तो यही दो रीजन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्लोरो बेंजीन का हमेशा लोअर डीएम होगा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का, ये बहुत जगह रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है, रीजनिंग में ये क्वेश्चंस का आंसर करना होता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लो। इसके साथ ही हमारा ये डाइपोल मोमेंट का जो सेशन था, और डाइपोल मोमेंट और नेचर ऑफ आरएस बॉन्ड का, यहीं पे हम फिनिश कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंटिन्यू करेंगे।